नमस्कार साथियों, मैं कैलाश जाट, सूचना सहायक सीएमएचओ ऑफिस राजसमंद एक बार फिर से राजकाज से संबंधित एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल को अपडेट करने के लिए हमें प्रत्येक ब्लॉक ऑफिस या सीएमएचओ ऑफिस पर 3 पर्सन को राइट्स दिलाने अनिवार्य होते हैं। आप चाहते हैं कि किसी भी कर्मचारी की पर्सनल डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कार्य करना होता है। वो कार्य क्या है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके ब्लॉक ऑफिस या सीएमएच ऑफिस में 3 व्यक्ति को डिसाइड करने होते हैं। वो होते हैं पहला मेकर, दूसरा वेरीफायर और तीसरा अप्रूवर। इन 3 पर्सन को आपको सेट करना होता है। उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है मेकर, मेकर में मैं अपना खुद का नाम, ऑर्गेनाइजेशन, एसएसओ आईडी, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया। अगर मैं ब्लॉक ऑफिस में काम कर रहा होता तो ब्लॉक का नाम यहाँ पर लिख लेता। ये हो गया मेकर। फिर वेरीफायर के लिए आप अपने ऑफिस में कार्यरत कि नहीं LDC या UDC का नाम लिख लेना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनकी SSO ID, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय ID और वही डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिख लेना है। फिर अप्रूवर के रूप में आपको क्या करना है, जैसे ये अभी लिखे हुआ है CMHO सर का नाम, CMHO ऑफिस राजसमंद, उनकी SSO ID, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय ID और डिस्ट्रिक्ट का नाम। अगर आप अपने BCMO ऑफिस में ये कार्य करना चाहते हैं तो आपको BCMO सर का नाम लिखना है। ये 3 पर्सन आपको डिसाइड करके इसका मेल जयपुर में करना होता है। जैसे आप मेल करते हैं, आपको अपने ये 3 व्यक्ति हैं इनकी SSO आईडी पर राइट्स मिल जाते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अधिकारी कर्मचारी की हायरार्की सेट करके उसकी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप भी अपने एक्सेल के अंदर ये फॉर्मेट डिजाइन कर लीजिए, अपने 3 पर्सन का नाम यहाँ पर लिख लीजिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन सेट करके फिर यहाँ पर आपको जो SSO आईडी है, SSO आईडी ओपन कर लेनी है। वो चाहे आप CMHO साहब की करो, आपकी पर्सनल SSO आईडी ओपन कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक हेल्प डेस्क ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको सर्च कीवर्ड के अंदर ई ऑफिस लिखना है। यहाँ पर राजकाज इंटीग्रेटेड ई ऑफिस से संबंधित एक मेल आईडी आपको दिखाई दे रही है। इस मेल आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर आपको लिखना मेल और सर्च पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको राज मेल नाम से एक एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। इस एप्लीकेशन पर आपको क्या करना है, वो जो मेल आईडी आपने कॉपी की है उसको आपको यहाँ पर कंपोज करके टू में जाकर पेस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अटैच ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप फाइल को अटैच कर लीजिए। जो एक्सेल फाइल आपने अपने कंप्यूटर के अंदर बनाई थी, जहाँ पर मेकर, वेरीफायर और अप्रूवर को आपने एक्सेल में डिजाइन किया था फॉर्मेट के अंदर, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये फॉर्मेट मेकर, वेरीफायर एंड अप्रूवर, उसके बाद यहाँ से क्लोज कर लेना है। ये फाइल हमारे यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिख लेना है, रेस्पेक्टेड सर प्लीज़ गिव मेकर, वेरीफायर, अप्रूवर राइट्स एज पर अटैचमेंट। ठीक है, तो आपकी एक्सेल सीट अटैच हो चुकी है। इस एक्सेल सीट के आधार पर आपके ऑफिस में जो 3 व्यक्ति हैं उनमें मेकर, वेरीफायर और अप्रूवर का राइट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी कर्मचारी की पर्सनल डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। अब पर्सनल डिटेल अपडेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अपन सेंड कर देते हैं और अपना कार्य यहाँ पर ख़त्म हुआ। अपने को इसके राइट्स मिल जाएंगे, वापस रिप्ले आ जाएगा। जैसे अपने को राइट्स मिलेंगे उसका एक रिप्ले अपने मेल बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने को मेकर, वेरीफायर और अप्रूवर कर राइट्स मिल जाएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम जैसे PG किसी ने कर ली है, उन डॉक्टर साहब को अगर
आप चाहते हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री के लिए एनओसी दिलाना चाहते हैं, तो पहले उनकी एसएसओ आईडी पर जाकर उनकी पर्सनल डिटेल है वहाँ पर क्वालिफिकेशन अपडेट करनी पड़ती है, पीजी डिग्री अपडेट करनी पड़ती है, तब जाके वो आगे के लिए एपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे सुपर स्पेशलिटी, ऐसा सीनियर रेजिडेंसी, इन सब के लिए पीजी की डिग्री अगर इस डॉक्टर साहब की एसएसओ आईडी पर अपडेट होगी तभी ये काम हम कर सकते हैं, और ये कार्य खुद डॉक्टर साहब कर सकते हैं, अपनी डिग्री को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए अगला वीडियो देखना न भूलें। आप इसी तरह से राजकाज से संबंधित नई नई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो राजकाज की प्रॉब्लम्स से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।